आफ्टरनून मैम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला ये कि आप मंथली कितना अपने ऊपर खर्च करती हो, एक्सपेंडिचर? 10,000। सच बता रहे हैं? 10,000 सबसे ज्यादा आपका ये। और आपकी हॉबी जो आप चाहते हो कि बच्चों में भी हो? एक्टिंग करना, एक्टिंग, सिंगिंग। नॉन या नॉन वेज? वेज। आई लाइक वेज। थैंक यू। मैम, हम आपसे एक सर्वे करना चाहते हैं, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका मतलब शॉपिंग एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा आप खर्चा करते हैं? 1,000। और आप ऐसी हॉबी जो बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं? डांस। डांस। और आप वेज हैं या नॉन वेज? नॉन वेज। आपका नेम? सविता। मैम, एक सर्वे कर रहे हैं, तो आपको हम 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, और आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका मंथली शॉपिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 2,000। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर ऐसी कोई हॉबी है जो अपने बच्चों के अंदर भी डालना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स डांस। डांस, बिकॉज दे कैन इंप्रूव देयर फिजिकल एक्टिविटी। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप वेज हैं या फिर नॉन वेज हैं? आई एम प्योर वेजिटेरियन। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैंने सर्वे करे, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, इन 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपका मंथली शॉपिंग एक्सपेंडिचर कितना, जो आप शॉपिंग का खर्चा करते हैं मंथली? मंथली नियर अबाउट 1,000। और ऐसी हॉबी जो आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं? बच्चों में डालना चाहते हैं? सिंगिंग इज माय हॉबी एंड आई वांट टू कंप्लीट दैट। नहीं, आई एम प्योर नॉन वेज। थैंक यू। हम एक सर्वे करें जिसके लिए आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हम इन 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपका मंथली शॉपिंग एक्सपेंडिचर कितना? 500। और आपकी हॉबी क्या है जो आप अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं? सिंगिंग। सिंगिंग। और आप वेज है कि नॉन वेज? वेज। थैंक यू। मैम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला ये कि आपकी मंथली शॉपिंग का एक्सपेंस? 4,000। आपका नेम? जो। दूसरा ये कि आपकी ऐसी कोई हॉबी जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी उसमें डेवलपमेंट करें? ड्राइंग। और वेज या नॉन वेज? प्योर वेज। हम सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले मैं आपको बताऊँ। श्योर। और आप मंथली कितना एक्सपेंडिचर करते हैं? ऑन मी और शॉपिंग पे? ऑन मी। आपकी ऐसी कोई हॉबी जो आप चाहते हो कि बच्चे और बच्चे भी उसमें जाए स्कूल में? यस, आई लव टू डू डांस, सो आई यस आई थॉट इट माय चिल्ड्रन सो सो लाइक वेज एंड नॉन वेज। आई एम प्योर वेज। गुड आफ्टरनून। हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला ये कि आप मंथली कितना एक्सपेंस करते हो? अराउंड 6,000-7,000। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, मॉरल वैल्यूज डेवलप करना अपने अंदर, जो बच्चों में है और बड़ों में, दोनों में ही आपको कमी होती जा रही है। और आप बैठे हैं? तो मेरे इन दोनों बच्चों ने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड किया है। अब हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि इस मेथड में उन्होंने क्या क्या सीखा और उन्हें कैसा लगा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमने कुछ मेरिट्स देखे और डीमेरिट्स देखे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का हमें पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन लेना होता है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम होता है। इसके मेरिट्स ये थे कि हमने सीखा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, हर हर पर्सन का अलग अलग बिहेवियर होता है,
और एक और जो इसका डीमेरिट था वो था मैन पावर, इसमें मैन पावर सबसे ज्यादा लगती है। और तीसरा ये कि सबका अलग अलग टाइप का बिहेवियर होता है, तो हम उसको मैनेज कर पाते कि नहीं कर पाते उस टाइम उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसलिए इसके लिए हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए होती है, और साथ में ये भी कि सामने वाला पर्सन जो है हमें इससे कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, ये इसका मेरिट हुआ। थैंक यू, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नाइसफुल एक्सपीरियंस था।